ऐसा जी कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कंप्यूटर के ए टू जेड शॉर्ट की। ठीक है, अपना पहला शॉर्ट की है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से होता है ऑल सेलेक्ट। कंप्यूटर में एमएस वर्ड में जब कहीं भी कहीं फाइल बनी है तो उसको ऑल सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट की है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से हुआ बोल्ड। बोल्ड होता है मतलब कोई वर्ड सेलेक्ट किया उसको मोटा करना हो तो ऐसे कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट की है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से होगा कॉपी। ठीक है, कोई वर्ड को कॉपी करना है, फाइल को कॉपी करना है तो कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट शॉर्ट की है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से होगा फॉन्ट। फॉन्ट मतलब कंट्रोल डी से फॉन्ट बॉक्स खुलता है। जैसे कोई किसी का फॉन्ट चेंज करना है, डिजाइन चेंज करना है तो ऐसे कंट्रोल डी से फॉन्ट बॉक्स खुलता है तो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब आएगा कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से होगा सेंटर। सेंटर मतलब कोई वर्ड लेफ्ट राइट उसको सेंटर में बीच में ला दो तो कंट्रोल सी ई से सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है, अब आएगा कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से आएगा फाइंड। मतलब कोई फाइल बनी है उसमें आपको कोई वर्ड सर्च करना है, कोई नाम सर्च करना है तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आएगा कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से होता है गो टू। ऐसे कोई फाइल होना है इसमें कोई आपको लाइन पे जाना है या कोई पेज पे जाना है आपके तो ऐसे पेज पे जा सकते हैं, लाइन पे भी जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से होता है रिप्लेस। ऐसे कोई फाइल बनाना है इसमें कोई वर्ड चेंज करना है आपको, ठीक है, तो कंट्रोल एच से रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से होगा इटैलिक। कोई वर्ड सेलेक्ट किया उसको इटैलिक करना हो, मतलब थोड़ा तेजा होता है इटैलिक तो इटैलिक करना हो तो ऐसे इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई। ऐसे आपने देखा हो कोई लेटर बनाते हैं तो आप एक साइड से तो लाइन एक सी हो जाती है लेकिन लास्ट वाली साइड दूसरी वाली साइड लाइन आगे पीछे होती है, तो कंट्रोल जे किया तो दोनों साइड से लाइन एक सी हो जाती है, इसको बोलते हैं जस्टिफाई। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट अब नेक्स्ट शॉर्ट किए कंट्रोल के। कंट्रोल के से होगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मतलब कोई एमएस वर्ड में कहीं पे भी कोई फाइल की लिंक डालना हो तो ऐसे कंट्रोल के से हाइपरलिंक से शॉर्ट की इसमें फाइल की लिंक डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट अपना कंट्रोल के। कंट्रोल के से होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, कोई फाइल की लिंक आपको अपनी फाइल में डालना हो ना तो ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से होगा लेफ्ट। कोई वर्ड राइट में या सेंटर में तो उसको लेफ्ट में करना हो तो ऐसे लेफ्ट में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।